हम दीदी दीदी गोबर जमा कर लो छिए केचुआ खाद बनना छै ई गोबर का केचुआ खाद बनेबे केचुआ खाद कैसा बनै छै देखतिए ना हमहु कैसा कैसा केचुआ खाद बनै छै हम बनेने छिए देख लेबे वर्मी ओ वर्मी पीट बनेलो छिए चलिए तो देखबे कैसा बनेलो छिए वर्मी पीट केचुआ खाद बनाबे की उद्देश्य छै सब रंग के खाद पाइल जाय केचुआ बना खाद बनाओ इएह उद्देश्य कि हम सब रंग का खाद पैलो जाए छे हाँ। कौन खाद पैलो जाए छे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश ओ मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश हाँ। ये तीनों पैलो जाए छे ना तीनों पैलो जाए छे केचुआ खाद बनवे में कम लागत लागे ओ केचुआ खाद बनावे में कम लागत लागे छे कम लागत तो देखो बढ़िया उद्देश्य छे दीदी उद्देश्य तो बता दिलिए अपना परिचय बतेतिए ना ठीक छै हम बता दै छियै परिचय हमर नाम लीलाम छियै सावित्री समूह की कोषा अध्यक्ष छियै उजाला जीविका महिला ग्राम संगठन के सदस्य छियै सावित्री आ हमर घर अमारी थाना धंधा पोस्ट कुकरन पूर्णिया जिला के निवासी छियै अपना परिचय तो बता देलिए आब छै केचुआ खाद बनाबे में कौन कौन सामान लागे छे वो बता देती है ना ठीक छे हम सामान दिखावे छी ये केचुआ छे हां ढेरी केचुआ छ कत्ता छ 2 किलो ई 2 किलो छे हां ओ ई मकई के डंठल छ हां सराय देलिए आधा ई आधा सराय देलिए हां 5 मीटर पन्नी ई पन्नी 5 मीटर छे हां जूट के बोरा रख ले छे ढाके ई जूट का बोरा से ढकबे हां ऊपर से हां पानी रख ले छे छिटे ल पानी छिटे ल हां ऊपर से छिटबे पानी ना ऊपर से लाग लटाल के छिटबे कोदार रख लिए या काटे ल खाद उठा उठा ढाकी ले ओ मतलब कोदार से उठा उठा टोकरी से कसी के देबे वेम ना एक महीना पुराना गोबर छे ओ एक महीना पुराना गोबर छे हां यानी एक महीना पुराना गोबर में डालना छे पीट पहिने तैयार करै लए पड़ै छै ओ केचुआ खाद बनाबै से पहिले पीट तैयार करै लए पड़ै छै हां पहिले पीट बनाबै मे कतना खर्चा होलो की सब लागलो 8 गो बांस लागलै हां 3 टा जन लागलै आ तब आधा किलो डोरी मान लिए तब ई बनेलै मतलब ई बनाबै मे 3 मजदूर लागि गेलो हां 3 मजदूर 8 गो बांस हां 8 गो बांस आधा किलो सुतरी मे बनि तैयार हो जाय छै हां आधा किलो सुतरी लागलै अब बनी तैयार हां तब बनाए के तब साथ लिए तरो अब बगलियो ओ मतलब एक तो दोनों साइड साथ लो छी ना हां तरियो तरियो से बाहरो से हां एकरो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कत ले लिए दीदी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2 मीटर छै से लंबाई ये 2 मीटर लंबा ले लेती है हाँ आ 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर चौड़ा हाँ आधा मीटर ऊंचा और ये ऊंचाई आधा मीटर छे हाँ। तो धरती से नीचा ऊपर कर लेती है दीदी ये मिट्टी का ही नस ले पी दिलिए ही नस ले पी दिलिए दोनों साइड कथिल ले पलिए पन्नी जे दबे ना तब फाड़ते नहीं वहां से भुरकी आ छेदार दे ना तोरा बंद के ओ एक नंबर जे छेदा थले ई बंद भ गेले हाँ। प्लास्टिक ना फटते ना ओ पन्नी देबे त नहीं फटते तब तो सटना भी जरूरी छे हां सटना भी जरूरी आ पन्नी बिछावे ले पड़ते एमे एम पन्नी बिछावे ले पड़ते मदद करते पन्नीत कहने लगी लिए ये में पन्नीत लगी लिए ये कारण कि बत्ती न सरते मट्टी गीला न हेते वे वे खाती आओ कि कछवा नहीं तो चारों बगली जीते निकलते बत्ती यानी पन्नीत दलिए कि सरते नहीं हाँ, गीला न होते न सरते हाँ, केचुआ जे डालवे उ न भागते ना हां न भागते तो पन्नीत लगाना जरूरी छे पन्नीत लगाना जरूरी
ठठेरी के कटल का एमे डालबे 6 इंची ऊंचा कर के तब दबे ओई जो जेचे बगरा जे छे हां बगरा ठठेरी वाला ई आठ सरलो जे छे एकरा में 6 इंची तक पसारबे हां 6 इंची तक दीदी ई मकई के डंठल खाली दे छिए सरा के कि आरो कोनो चीज दे दिए सके छिए घास काट के उ सरा के दिए सके छिए आरो और कि गेहूं भूसा देल पड़ते मतलब सरा के वो देबे गेहूं के भूसा भी अब सरा देल पर जो ठठरा ने रहते तू देते और हरा चराग भी सरा के देते सरा के वो दे दे देबे दीदी ई जे मकई के डंठल का काटी का सरा डाल लिए एकरो कोन काम छे केचुआ का सर अभी खाए खातिर उ स्वाद में अथी परिवर्तन कर डाले के डाल ले यानी केचुआ का स्वाद का परिवर्तन का खातिर डाल लो छे हां हां एक महीना पुराना गोबर एम जात छे डालबे ओ एक महीना पुराना गोबर आब डालबे है ना एक महीना पुराना ये हम 3.5 कुंटल गोबर डाली दिलिए हाँ दीदी एक महीना पुराना गोबर कहना डाल लिए ये में एक महीना पुराना किया डाल लिए यह बात की पुराना गोबर रहते तो गैस सट्टा निकल देते अगर पूरा ते टटका गोबर तो गर्मी से केचुआ मर जाते मतलब एक लोग गैस निकली गलो छे हाँ गैस निकली गल छे ताजा गोबर में गैस बनती है तो केचुआ मरी जाती है हाँ ताजा गोबर रहती है तो गैस बनती है तो केचुआ मर जाती वहाँ से पुराना गोबर डालना थे एक महीना पुराना गोबर हाँ एक महीना पुराना गोबर तो डाल दलिए दू के जी केचुआ डाले ई 2 केजी केचुआ छ हां ई वही में डालबे हां के डाल रहल छिए आ केचुआ हां देखै छिए चारो बगल दै छिए हां चारो बगल दै छिए दीदी ये हम केचुआ केना डाल लिए एकरो कोन काम छे गोबर केचुआ डाल लिए गोबर खेते ने तो मल त्याग करते ने तो ओकर केचुआ खा दे ओ मतलब ये जो केचुआ ने जो गोबर खेते वो जो मल त्याग करते ओकरे कहे छे केचुआ खा हां ओकरे कहे छे केचुआ हां बड़ा केचुआ डाल ही देलिए हां वो तो केचुआ डाल ही देलिए हां अब अथी बार जट के बड़ा हां गीला कर के ढाके मतलब जूट का बोरा को गीला कर ढकबे हां ठीक भए गेले पूरा के ढक देलिए हां देखै छियै पूरा बढ़िया ढकी देलिए बड़ा ढक देलिए बढ़िया मारतो बजे दीदी ये जूट का बोरा से कहना ढक लिए जूट के बोरा से यहाँ ढक लिए कि नमी बनल रहते एक नमी बनल रहते बनल रहते आ तब यथी से निकलते न गैस मतलब कि यानी जब गैस बनते वो जो निकलते तो ये जूट का बोरा से आसानी से निकली जाते आसानी से निकली जाते मांसाहारी पक्षी से केचुआ का बचाव यानी मांसाहारी पक्षी से केचुआ के बचाव करे छे या ले जूट के बोरा से ढके छे ना जूट के बोरा ढक दलिए ढकी दलिए आ पानी छिड़काव करे छे मतलब कि जूट के ऊपर पर पानी छिड़काव करबे बोरा के ऊपर पर हां बोरा के ऊपर पर पानी छिड़काव 15 दिन बाद भैया
हाथ से पलटी दे एकरा 15 दिनक बाद हाथ से पलटबे हां 15 दिनक बाद हाथ से पलटबे मिलेबे दीदी 15 दिनक बाद एकरा कहना हाथ से पलटबे तो पलटबे ना हाथ से तो हवा से बढ़ते ना तो केचुआ का आसानी हेते बढ़े मतलब कि हवा अंदर तक चला जेते केचुआ के बढ़े में आसानी होय छे आसानी हेते दीदी केचुआ खाद बनेला से की लाभ छे केचुआ खाद बनेला से खेत में डाले छे ना रासायनिक खाद कम डाले पड़े यानी केचुआ खाद खेतों देला पर रासायनिक खाद कम देल पड़े छे कम डाले पड़े छे खेत के नमी बनल रहे छे पटवन कम लागे छे यानी खेत में नमी बनल रहे छे पटवन कम लागे छे ना पटवन कम लागे दीदी केचुआ खाद बने रहा कोनो सावधानी राखे पड़े छे हां सावधानी राखे पड़े छे की ताजा गोगर नहीं से डलने नहीं खर पतवार नहीं से डलने नहीं शीशा से डलने केचुआ पीट जे छायादार जगह में होना चाहिए केचुआ पीट के ऊपर पर छप्पर होना चाहिए आ साँझ भोर पानि छिलको पीट के दोनों बगल से साटे पड़े छे आ जूठ के बड़ा से झाँपे पड़े दीदी किसान दीदी भाग कोनो संदेशो दे चाहे छे हाँ संदेश देवे की सब दीदी भैया किसान भाई से अनुरोध करे छे कि अपना केचुआ खाद बना के अपना खेत में डाले जकरा से रसायन खाद कम डाले पड़े छे।